हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षता कागाल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गेहूं के आटे के लड्डू बनाकर दिखाने वाली हूं, जिसे हम गोड्डा उंडे कहते हैं। इसे आप गुड़की लड्डू भी कह सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश को भोग चढ़ाने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे स्वीट्स बनाते हैं। इनमें ये गुड़ की लड्डू एक है। इस बार गणेश को भोग चढ़ाने के लिए इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। लड्डू बनाने के लिए पहले थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए गैस पर एक पैन चढ़ाकर आधा कप मूंगफली डालकर भून लीजिए। मूंगफली भून लेने के बाद पाव कप सफ़ेद तिल डालकर भून लीजिए। तिल को भून लेने के बाद अब एक कढ़ाई में 3 कप गेहूं का आटा और आधा कप देसी घी डालकर गेहूं के आटे को अच्छे से धीमी आंच पर भूनना है हमें। आटे में से उसका कच्चापन चला जाना चाहिए और उसमें से धीमी सी खुशबू आनी शुरू होनी चाहिए। तब तक हमें आटे को अच्छे से भून लेना है। आटे को अच्छे से भूनना यहाँ बहुत ज़रूरी है, वरना लड्डू खाते वक्त आटे का कच्चापन हमें महसूस होगा और लड्डू खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगेगा। इसलिए आटे को धीमी आंच में आराम से अच्छे से भून लीजिएगा। गेहूं का आटा फ्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ फ्राई किए हुए मूंगफली। मूंगफली के ऊपर हल्का सा बेलन चलाकर उसके 1 के 2 टुकड़े कर लिए हैं यहाँ मैंने, और उसका छिलका भी निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ मैंने फ्राई किया हुआ तिल डाला है। अब इसे साइड में निकाल कर रख लेते हैं। फिर एक कढ़ाई में 1.5 कप गुड़ डाल दीजिए। गुड़ को हमें उबालना है और इसकी चाशनी तैयार कर लेना है। आप चाशनी जिस तरह से बनाएंगे उस तरह आपके लड्डू बनकर तैयार होंगे। मतलब हल्का चाशनी बनाएंगे तो लड्डू सॉफ्ट बनेंगे, कड़क चाशनी बनाएंगे तो लड्डू भी कड़क तैयार होंगे। इसलिए हमें चाशनी को मीडियम रखना है। चाशनी बना है या नहीं ये देखने का सिंपल सा तरीका है। इसके लिए एक प्लेट में थोड़ा पानी लेकर उसमें 1-2 ड्रॉप गुड़ डालकर उंगली से इस तरह से मिला लीजिए। गुड़ पानी में यहाँ घुल रहा है, इसका मतलब चाशनी बनना बाकी है। गुड़ को कुछ मिनट और उबाल लिया है यहाँ मैंने। अब चाशनी बना है या नहीं चेक करते हैं। पानी में फिर से 1-2 ड्रॉप गुड़ डाल दीजिए और हाथ से इस तरह से मिला लीजिए। देखिए, अब ये गुड़ पानी में घुल नहीं रहा है, एकजुट हो रहा है। इसका मतलब चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार है। अब गैस को बंद कर लीजिए और भुने हुए आटे, मूंगफली और तिल को इसमें डालकर मिक्स कर लीजिए। ये लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आटे को गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद हम अभी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इस आटे के मिक्सचर को पूरा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा गर्म हो तभी ही लड्डू बांधना शुरू कीजिए। इससे आपको लड्डू बांधते वक्त आसानी होगी। देखिए, फटाफट से लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही हमने सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। आप इस बार गणेश चतुर्थी में ये लड्डू बना रहे हैं या नहीं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही एक नए रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।